सवाल नंबर 7 लाभ अनुपात दे रखा है, एक के बाद एक तो क्या नाम है, एक का रुचि का प्रश्न, एक का है रुचि का और एक का नाम है प्रसाद, दोनों अनुपात दे रखा है, 3:1 और दोनों पूर्ण दे रखी है 50,000 और 40,000। लाभ दे रखा है इन सबसे पूर्व, ये जो भी दे रखे हैं इन सबसे पहले का लाभ दे रखा है 57,500। क्या क्या चीजें देखो, पूंजी पर ब्याज 5% यहाँ आएगा आपके, 2% कमीशन सेल्स पर, 1% का 2% कितना होता है आपके 2,500 रुपए वो भी आएगा यहाँ पर, सैलरी है वो भी आएगी, रेंट दे किराया, ये किराया क्या है आपके भवन का किराया, जहाँ हम मकान पर किराए पर रह रहे हैं। अगर हम दूसरी जगह होता, मान लो ये घर किसी और का होता, यहाँ मान लो कोई गोदाम है कहीं की, जब जहाँ हम काम कर रहे हैं तो दूसरा होता क्या, जब किराया देते और वो यहाँ पर आके नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये किसको दे रहा है आपको, पी को ये किराया मिल रहा है, क्योंकि जो जिस मकान में काम कर रहे हैं वो पी का मकान है, तो अगर दूसरा होता तो यहाँ नहीं आता, तो पी को दे रहे हैं तो भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर आपको यानी के एक्चुअल प्रॉफिट, सही प्रॉफिट अगर आपको ज्ञात करना है, वो भी कौन सा, बिफोर पीएनएल अप्रोप्रिएशन फाइंड करना है, तो ज्ञात करना है क्या हो जाएगा, 57,500 दे रखा है, इसमें से माइनस करेंगे किराए का, क्योंकि ये ऐसी है चीज है, मान लो सैलरी तो सबको मिलती है उसकी खुद की, एक किराए से चीज है जो पी और क्यू का नहीं है, क्योंकि अगर मान लो ये मकान दूसरे होता तो उनको देना पड़ता, और फिर वो आप देखो उनको दे रहे हैं दूसरों को, तो हम यहाँ नहीं लिख रहे, लेकिन अगर हम ले रहे हैं तो लिख रहे हैं, दोनों आपके नहीं आते, मतलब यहाँ वही चीज आनी चाहिए जो शायद सैलरी को होता है, कि मतलब कि पी को कितना मिल रहा है, क्यू को कितना मिल रहा है, वो लिखना चाहिए, ये जो पैसे फर्स्ट में जाएंगे उसके अकाउंट में, कि उसको हम किराया देंगे फर्स्ट में देंगे, ताकि गोदाम का किराया हो जाए और यहाँ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ जुड़ गया उसके लाभ हम क्या जाएंगे, कमी आ जाएगी, कि पी को मिल गया इतना, फिर ये कहाँ जाएगा उसके, जाए अगर हमने यहाँ लिख दिया तो फिर यहाँ भी जाएगा कहाँ पर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और वहाँ उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, तो फिर आपके वो क्या हो जाएगा कि उसको पैसे मिले हुए ऐसा प्रतीत हो जाएगा, तो ये आपको दिखाना नहीं है, ये ऐसे दिखाना है कि हमने किसी और को दिया है रेंट, क्योंकि ये तो ये इसका मकान ही है, दूसरा होता तो फिर वो देते उसको देते, यहाँ नहीं दिखाते, तो फिर ये भी हमें यहाँ नहीं दिखाना है, कितना 625 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का होता है 7,500 रुपये, माइनस कर दो ये होता है आपके 50,000, ये राशि आपको यहाँ लिखनी, और कोई अगर बाहर की मत है तो आएगी आगे को दिया नहीं है, जनरल है वो तो उसमें आता ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके, यहाँ आएगा बाई प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 50,000। अब बाकी वाले पॉइंट भी लिखने, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज, तो यहाँ क्या आएगा आपके 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, तो ये तो है आपके आर के लिए और पी के लिए, 5×5 25,000 रुपए और 5×20 2,000 रुपए, तो कितना है आपके 4,500। फिर है आपके 2R का क्या हो जाएगा कमीशन कितना 2%, तो ये होता है आपके 1,25,000 का 2% कितना होता है 2,500 रुपए। फिर है आपके सैलरी, तो यहाँ आ जाएगा 2P की क्या हो जाएगी सैलरी, बताओ P की सैलरी कितनी है 250 रुपए पर मंथ, 12 महीने के कितने हो गए 3,000 रुपए हो गए, और अब हमें देना है यहाँ पर जनरल रिजर्व पर क्या देना है आप, जनरल रिजर्व आप रिजर्व ट्रांसफर करना है, तो रिजर्व का क्या करना है आपको ट्रांसफर करना है, अर्थात कितना करना है आपको 10%, वो भी किसका करना है विभाजन योग्य लाभों पर करना है आपको 10%, तो देखो जैसे यहाँ लाभ कितना हो 4, 7, 10 हो गए, ये हो गया आपके देखो ये है आपके 50,000, ये क्या है आपके 50,000, यहाँ क्या लिखा हुआ है विभाजन योग्य लाभ, मतलब ऐसा लाभ जिसको हम बांटेंगे उसी लाभ का क्या लेना है आपको 10% लेना है, तो यहाँ क्या आएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गया आपके 50,000, 50 में से 10 तो वो चले गए वहां पर, बाकी कितना बचा है 40,000 को हम बांटेंगे, तो बांटने योग्य लाभ कौन सा है 40,000, और उसका कितना लेना है आपको 10% का लेना है जनरल रिजर्व, तो आप लिखोगे कि 50,000 में से देखो आपको लिखना है रिजर्व या ऊपर 50 में 10 तो हमने यहाँ दे दिया, तो पीछे कितना बचा आपको 40 इन दोनों में बांटते, लेकिन इससे पहले आपको उसका क्या करना है 10% का ट्रांसफर करना है,
जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ऐसा रिजर्व है लाभ का कुछ हिस्सा कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, मतलब ऐसा एक अमाउंट है जो आप रिजर्व पड़ा रहेगा, जो कहीं भी आप व्यापार नुकसान हो जाए तो बाद में क्या आता है आपके काम। जैसे माल आपका पैसा है तो आप क्या करोगे, बैंक में जमा करोगे, तो वो क्या हो गया आपको रिजर्व हो गया, मतलब अलग से जमा कर दिया ताकि आप जब भी नुकसान हो तो आपको यहाँ से पैसे ले सकते हैं। कितना लेंगे, 40,000 में कितना होता है 4,000। अब 50 पैसे कितना गया, 14,000 गया, फिर कितना बचा आपके 36,000। 36 को दोनों में बांटेंगे, आर में भी और पी में भी, अनुपात कितना है 3:1, मतलब 36,000 × 3/4 टोटल 4। 4 का भाग इसमें जाता है 9 बार, तो 9 × 9 = 27, तो लाभ हो जाएगा 27,000 और 9,000 का लाभ हो जाएगा।